नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी ने फाइनल क्लोजिंग दी है 38,297 पे और लगभग हम डे लो के आसपास आके क्लोज हुए हैं। जो डे लो लगा है वो 38,250 के आसपास का डे लो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे लगाया है। और जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी ने अगर यहाँ पे 38,700 के लो को ब्रेक किया तो यहाँ पे एक अच्छी मूवमेंट आपको दिखेगी और लगभग बैंक भी 38,500-38,400 का लेवल दिखा सकता है। जो बैंक निफ्टी ने लो लगाया 38,250 का लो लगाया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के पास एक छोटा सा यहां पे सपोर्ट मिलेगा, वो सपोर्ट है वो है यहां पे अब 37,700 से लेकर के 38,200 के बीच का ये सपोर्ट है, जहां पे हमने टाइम बिताया था। यहां पर भी हमने टाइम बिताया है, देखिए गिरने के पहले यहां पे टाइम बिताया था और यहां पे ऊपर जाने से पहले हमने टाइम बिताया था। तो ये लेवल थोड़ा सा सपोर्ट लेवल हो सकता है, लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बैंक निफ्टी ने कल 38,200 को ब्रेक किया तो फिर यहाँ पे 150 से 200 पॉइंट की एक मूवमेंट आपको नीचे की साइड में दिखेगी और जो सपोर्ट बन के निकलेगा वो निकलेगा 37,500 का। जो सपोर्ट है वो सपोर्ट यहाँ पर बैंक निफ्टी में देखेगा। ध्यान रखिएगा, सपोर्ट के पास में जब तक कोई कंडीशन ना बने तब तक बैंक निफ्टी को बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से देखेंगे तो 2 दिनों में बैंक निफ्टी ने लगभग 6 दिनों का मूव यहाँ पर बैंक निफ्टी ने गंवा दिया है। ये भी नजर बना के रखिएगा। मैं कल की वीडियो में भी मैंने कल क्लियर कट आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी जब भी कोई भी चीज होगा ना, इंडेक्स होगा या स्टॉक्स होगा, बढ़ने के लिए जरूर धीरे धीरे जाएगा, लेकिन गिरने के लिए वो तेजी से गिरता है, क्योंकि सेलर पैनिक हो जाते हैं। और कल के वीडियो में मैंने पैनिक लेवल दिया था और यहाँ पे आज के वीडियो में ये बता रहा हूँ कि पैनिक सेलिंग तब आएगी जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 37,950 के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा, तो एक फिर से पैनिक सेलिंग आएगी जो कि इसको 37,500 के पास तक लेके जाएगी बैंक निफ्टी को। तो यहाँ पर नज़र बना के रखिए कल के सेशन में 37,950 के पास में बैंक निफ्टी किस तरीके से ट्रेड करता है। चलिए अब 15 मिनट के चार्ट पर देखते हैं कि बैंक निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा और कौन सा ऑप्शन हमारा बेहतरीन मूवमेंट कल दे सकता है। तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ देखेंगे तो सुबह जो हमारी स्ट्रेटजी है 920 वाली, उस स्ट्रेटजी ने बहुत अच्छा वर्क किया और बहुत अच्छा मूवमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने देखेंगे अगर पहली कैंडल को छोड़ देंगे तो उसके बाद से जो ज़्यादातर यहाँ पे बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया है वो जो लेवल है वो है 38,480 से लेकर के 38,300, ये जो लेवल है 150 पॉइंट के, इसी 150 पॉइंट के लेवल में बैंक ने ज़्यादातर टाइम यहाँ पे ट्रेड किया है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो आज का लो लगा है वो लो लगा है 38,250 का, तो इस लेवल पे नज़र बना के रखिएगा। कल के सेशन में अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में कहीं पे ओपन होता है तो रेंज के जिस साइड में निकलेगा आपको यहाँ से 150 से 200 पॉइंट की एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगी। अगर बैंक निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद में थोड़ा सा टाइम बिता के ऊपर या नीचे की साइड में ब्रेक करता है, नीचे की साइड में, तो अगर बैंक निफ्टी इसी लेवल पर ओपन होता है और 1.5-2 मिनट के अंदर में ही नीचे के वाले लेवल ब्रेक करता है 38,250, तो यहाँ पर आपको टारगेट देखने को मिल जाएंगे 38,120 और 38,002 टारगेट यहाँ पे रहेंगे। फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,880 का, ये सॉरी 37,880 का। तो ये हमारे 3 टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में ओपन होता है पहले दूसरे सेकंड में ही अगर 250 के लेवल को ब्रेक करता है तो 150 और 38,000 ये हमारे टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी में। अगर 38,000 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो यहाँ पे 37,980 ये लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ऊपर की साइड में ध्यान रखिएगा जो मूवमेंट होगा वो स्लो होगा, तो यहाँ पे नज़र बना के रखिएगा। अगर इस जोन के आसपास बैंक निफ्टी आके कुछ टाइम बिताता है 38,400-38,500 के बीच में कुछ टाइम बिता के अगर ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे आपको 150 से 200 पॉइंट की एक मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में। क्योंकि 2 दिन में देखेंगे तो लगभग बैंक निफ्टी 39,700 से हम आ गए हैं यहाँ पे 38,300, तो लगभग हम यहाँ पे 1,400 पॉइंट का करेक्शन हमें देखने को मिल चुका है हाई के पास से अगर देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी कल गैप डाउन ओपन हो जाए, मान लीजिए गैप डाउन ओपन हो 38,000 के पास में, तो यहाँ पर बाइंग करने की जल्दी बिल्कुल मत कीजिएगा, यहां पे इंतजार कीजिएगा रेंज का। जब तक एक अच्छी सी रेंज यहां पे ना बने और उस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक ना करे तब तक बैंक निफ्टी को बाइंग मत कीजिएगा, क्योंकि यहां पे हो सकता है कि पैनिक सेलिंग स्टार्ट होगी और लोग यहां पे और ज्यादा मात्रा में सेल करना स्टार्ट करेंगे अगर ये 38,000 के लेवल को ब्रेक करके कंटिन्यू ट्रेड करने लगता है। तो ध्यान रखिएगा ऊपर की साइड के मूवमेंट स्लो ही होगी, क्योंकि हम लास्ट डे के लो और क्लोज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो हमेशा मूवमेंट जो होगी वो स्लो होगी। जब तक इस रेंज के ऊपर नहीं जाएंगे तब तक वो मोमेंटम नहीं जनरेट होगा, मोमेंटम डाउन साइड का ही जनरेट होगा अगर हम यहाँ पे 38,000 को वापस ब्रेक करते हैं, या फिर अगर यहाँ पे कोई प्राइजेशन बनते हुए दिखेगा तो भी हम यहाँ पे बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। बहुत बड़ा गैप अप
ये ध्यान रखिएगा, अगर 38,700 के आसपास बैंक निफ्टी मिलता है तो यहाँ पे वेट कीजिएगा। कोई अगर सेल सिग्नल यहाँ पे मिलता है तो हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे सेल कर सकते हैं 38,700 के आसपास। अगर मान लीजिए किसी कारणवश 300-400 पॉइंट अगर गैप अप मिलता है तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी को सेल कर सकते हैं, अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल हमारे लिए बनती है तो। इंतजार करना पड़ेगा कल बैंक निफ्टी के लिए। सबसे बेस्ट ट्रेड तो हमें यही मिलेगा कि जोन के बीच में कहीं पर ओपन हो और बैंक निफ्टी नीचे की साइड में ब्रेक करे, या फिर 200 के आसपास भी ओपन हो और नीचे का अगर ब्रेकडाउन मिलता है तो हम यहाँ 38,000 के टारगेट के लिए बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।